वैसे डॉक्टर साहिब, धंधा बड़ा मंदा चल रहा है आजकल, कुछ उपाय बताइए इसका। कमाई उमाई तो हो नहीं रही है, झूठे आके खड़े रहते हैं। नहीं नहीं तो क्या करूँ मैं, क्या करूँ आप बोलो, क्या करूँ मैं? वायरस फैला दूँ जिससे मरीज मेरे पास आने लगे? अगर इतना ही आता तो यहाँ थोड़ी ना रहते। असिस्टेंट हो, असिस्टेंट की तरह रहा करो, नेता बनने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सा मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। गुस्सा ना करिए, उधर देखिए मरीज आ गए हैं, मरीजों का इलाज करिए। तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। हाँ हाँ चल चल चल, काम कर अपना काम कर। कहिए कैसे आना हुआ? जी डॉक्टर साहब, लीवर में बहुत दर्द हो रहा है। शराब पीते हो? हाँ जी हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल पीते हैं पीते हैं, बट हाँ छोटा सा पैक बनाना मेरे लिए। जैसा डॉक्टर वैसा मरीज। सुनो 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 सुनो, अब ना एक वर्ड मत निकालना, नहीं तो तुम्हारी खोपड़िया तोड़ देंगे। बड़ा है खोपड़ी तोड़ने वाले। और महाराज एक बात बताओ, मैं शराब पिलाने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि पहले शराब पीते थे? दरअसल बात यह है डॉक्टर साहब कि शराब मैं पहले पीता था। हाँ तो महाराज, प्रभु, देव, असुर, शराब पीने से किडनी खराब ही होती है, किडनी मजबूत नहीं होती तुम्हारी। हाँ तो डॉक्टर साहब इसका कुछ उपाय उपाय बताइए ना। अजी कहाँ से बताएंगे, इनकी पहले से दोनों किडनी खराब है। बेटा तुम ना शांति से खड़े रहो, नहीं बता रहे हैं पीट देंगे, सारी बत्तीसी बाहर निकल जाएगी तुम्हारी। बड़े आए पीटने वाले, मुंह में एक दांत है नहीं, हमें पीट कर हमारे दांत तोड़ेंगे। तुम अभी तक यहीं हो, जाओ जाओ यहाँ से जाओ, दो हफ्ते बाद आना, दो हफ्ते बाद। पर डॉक्टर साहब हमें इलाज तो अभी कराना है। बेटा अभी बस किडनी में पेन हो रहा है, अगर डॉक्टर साहब से इलाज कराओगे ना, जो बची कुची किडनी है वो भी निकाल लेंगे और बेच देंगे। अबे तुमसे कह रहा हूँ, बकैती कम किया करो, दूसरे मरीज को बुलाओ। अपना थपड़वा सामने करोगे तब ना दिखेगा मरीज। हाँ तो बच्चा बोलो बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुमको? अबे तेरे को डॉक्टर किसने बना दिया, मैं बच्चा दिख रहा हूँ तेरे को? महाराज आप जो भी हो हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें बस इतना बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अच्छा ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे दांत टूट गए हैं। दांत टूट गए? ऐसा कौन सा कांड कर रहे थे कि दांत टूट गए? कहीं से सुटा उठा के तो नहीं आए हो? अबे टकले, पत्नी ने कड़क रोटी बनाई थी। हाँ तो क्या हुआ क्या हुआ, मना कर देते खाने के लिए? जी वही तो किया था। जब तुमने रोटी खाया ही नहीं तो दांत कैसे टूट गया? अबे तेरे को डॉक्टर किसने बनाया, बीवी ने सूटा है गिरा गिरा कर मारा है। बीवी से पिट कर चले आए? बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे इनके 32 के 32 एकदम उखड़ के बाहर आ रहे हों। एक भी दांत है नहीं मुंह में, बीवी से कुचवा कर धात पैर सब तुड़वा के बैठे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, दूसरे को ज्ञान पेर रहे हैं। तुम नहीं शांत रहोगे? बोलो नहीं शांत रह सकते? तुम दो हफ्ते बाद आना और अपना इलाज करवाना। अजी दो हफ्ते बाद? हाँ 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 दो हफ्ते बाद। हाँ क्योंकि दो हफ्ते बाद इनके पापा जो आ जाएंगे। नेक्स्ट। वैसे डॉक्टर साहब आप मरीजों से इतना गुस्से में क्यों बात करते हैं? नहीं नहीं तो क्या करूँ क्या करूँ मैं, बोलो क्या करूँ? अजी थोड़ा प्यार से बात कर लिया करिए कभी। ठीक है दूर। हाँ जी आइए आइए आइए, तो बताइए कैसे आना हुआ? जी डॉक्टर साहिब, बिरयानी खाई के मन कई गवा रहा तो आई गए। अबे यहाँ बिरयानी नहीं मिलती है, ये क्लिनिक है, यहाँ पे इलाज होता है। हाँ तो महाराज इलाज ही तो कराने आए हैं, क्यों कब से पका रहे हो? हाँ हाँ बताओ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समस्या क्या है समस्या? अजी डॉक्टर साहब कुत्ते ने काट लिया है, लगता है तुमने बाहर नहीं देखा, वहाँ बोर्ड पर लिखा है मरीज को देखने का समय केवल 8 बजे से लेकर 11 बजे तक है और शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक है, तुम 1 बजे आए हो तो तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता है। अजी डॉक्टर साहब वो बोर्ड हमने तो पढ़ लिया था, लेकिन कुत्तों को क्या पता है कि आप 1 बजे बैठते कि नहीं बैठते, उसने तो काट लिया अब। अच्छा अच्छा ठीक है एक सिरप दे रहा हूँ, उसको पी लेना। डॉक्टर साहब इसको पीना कैसे है? दिल लगा कर मोहब्बत में धमाल करें और सिरप को अच्छी तरह से हिलाकर इस्तेमाल करें। और डॉक्टर साहब आपने ये जो गोलियां दी हैं उसको कैसे खाना है?
अजी दिल दिल मेरा टूट गया उठी जब उसकी डोली, सुबह दोपहर शाम बस एक एक गोली। अच्छा दवाओं का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना? लेकिन हाँ, कभी आके मेरी मोहब्बत का सुरूर देखें, कभी आके मेरी मोहब्बत का सुरूर देखें, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ही 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 ही। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, हम कल आएंगे और आपको बताएंगे कि आपकी दवा का असर कैसा रहा। दिल मेरा इश्क करने पे रजामंद रहेगा और कल के दिन अस्पताल बंद रहेगा। ही 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 ही। हाँ तो बताओ क्या प्रॉब्लम है तुमको? डॉक्टर साहब दो दिन से पेट में बहुत दर्द है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या खाया था, क्या खाया था लास्ट बार? जी जी, वो बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड पिज्जा, कोक। ज्यादा इतराओ मत, ये तुम्हारा फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं है कि झूठे झूठ कुछ बीच मार दोगी। सच सच बताओ क्या खाए थे, नहीं तो अभी चेकअप हो जाएगा और सब पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब चाय के साथ बासी रोटी और तेल चिपुड़ के खाया था। अब आई हो ना लाइन पे। डॉक्टर साहब आपने ये कौन सी दवा लिखी है? अरे 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 अरे, वो दवा नहीं है, मैं तो चेक कर रहा था कि मेरी पेन चल रही है कि नहीं चल रही है। हाँ बेटा आओ आओ आओ, क्या प्रॉब्लम है तुमको बताओ? डॉक्टर साहब क्या आप बिना दर्द किए दांत निकाल सकते हैं? बिना दर्द किए? नहीं 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 नहीं। अजी हम निकाल सकते हैं। कैसे भैया, कैसे कैसे कैसे? सी 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 सी। दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो सब मार के भगाएंगे ना कि सात पुश्ते याद रखेंगे तुम्हारी। मजाक बना के लगा दिए हैं। अजी जब डॉक्टर झोला छाप हो तो मरीज भी झोला छाप ही आएगा ना। शी 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 शी। बेटा तुम जैसे इतनी देर शांति से खड़े थे ना, थोड़ी देर और शांति से खड़े रहो बस। अजी अपना क्या है, अपने को तो इसी का पैसा मिलता है। अबे साला ये फिर से आ गया, फिर पकाएगा। हाँ तो बताओ चिंटू तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब पहले से ज्यादा खराब है। तुमने दवा खा ली थी? खाली नहीं थी, भरी हुई थी दवा। अरे प्रभु मेरा मतलब है दवा ले ली थी? जी जी जी, आपसे तो ले ली थी, आपसे तो ले ली थी। अरे बेवकूफ के सरदार, दवा पी ली थी हम पूछ रहे हैं। जी नहीं, दवाई तो नीली थी, नीली नीली। अबे गधे की औलाद, दवाई को पी लिया था मैं पूछ रहा हूँ। क्या डॉक्टर साहब आप भूल गए, दवाई को पी लिया नहीं था, पी लिया मुझे था। उल्लू के पट्टे दवाई खोल के मुंह में रख लिया था। लेकिन आपने तो कहा था दवाई को फ्रिज में रखना है। अबे क्या मार खाएगा मुझसे? अरे अरे नहीं डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो दवाई खाऊंगा, दवाई दवाई। निकल साले, तू मुझे पागल कर देगा। अच्छा ठीक है ठीक है, जा रहा हूँ, फिर कब आऊँ? मरने के बाद आना। मरने के कितने दिन बाद, कितने दिन बाद? अबे तेरी तो। अच्छा जी जा रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक और प्रॉब्लम है। अबे वो कौन सी, बोल जल्दी से। डॉक्टर साहब मुझे खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, पानी पी लूं तो प्यास नहीं लगती, अब बताइए मैं क्या करूं? अबे साले रात को सूरज की रोशनी में आँख खोल कर सो जा, सब ठीक हो जाएगा, निकल यहाँ से। तू किस एलियन का बच्चा है भाई? अजी बच्चे नहीं है, हमको प्रॉब्लम है। अजी फरमाइए क्या प्रॉब्लम है आपको? जी जी, दरअसल बात ये है, जब जब मैं रात को सोता हूँ तो सपने में बंदर मेरे फुटबॉल खेलते हैं। अबे तुम जैसे लोग आते कहाँ से हो, न दिमाग है, बुद्धि भ्रष्ट है, नलायक हो एकदम। अजी हमने तो वही बताया जो हमें प्रॉब्लम थी, अब अगर आप इलाज नहीं कर पाते हैं तो ये आपकी दिक्कत है। अच्छा जी कोई दिक्कत नहीं है, ये गोली रात को खा लेना सोने से पहले। आज से नहीं, कल से खाऊंगा, कल से खाऊंगा। क्यों बंदर की शकल के आज से क्यों नहीं खाओगे? जी दरअसल बात ये है, आज फाइनल मैच है, उसके बाद खाऊंगा। अबे चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो इतना सूखे जाओगे ना, ये जो पीले पीले बाल हैं लाल हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब आपने तो इस दवा में इंजेक्शन भी लिखा है। हाँ तो क्या हुआ, क्या हुआ? महाराज शनिवार को सुई नहीं खरीदते, शनिदेव नाराज हो जाते हैं, तो मैं कैसे खरीद लूँ? खरीद लो वरना सनी देव का तो पता नहीं, लेकिन हाँ यमराज जरूर नाराज हो जाएगा। और अगर यमराज नाराज हुआ ना तो तुमको नाराज होने नहीं देगा। हाँ जी बताइए, तो आपको कौन सी प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब भूख प्यास लगती नहीं, खाना खाने का मन नहीं करता, मैं क्या करूँ? ये मलेरिया के लक्षण, मलेरिया के
अच्छा, आपको यकीन है कि मुझे मलेरिया ही है? क्योंकि एक डॉक्टर एक मरीज का मलेरिया का इलाज कर रहा था, पर मरीज के मरने के बाद पता चला कि उसे टाइफाइड है। जी आप टेंशन मत लीजिए, ये वैसे डॉक्टर हैं कि ये जिसका मलेरिया का इलाज करते हैं वो मलेरिया से ही मरता है। अबे चमगादड़ की शक्ल के, दूर खड़ा रहा चुपचाप बस। ये हमारा असिस्टेंट है, इसका थोड़ा मजाक उजाक चलता रहता है। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर आप मेरी दवा से ठीक हो गए तो आप मुझे क्या देंगे? अजी देने को तो पता नहीं, लेकिन हाँ मैं कब्र खोदता हूँ आपकी फ्री में खोद दूंगा। क्या मजाक कर रहे हैं आप, कैसा मजाक कर रहे हैं ये? चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हम चलते हैं, फिर से आएंगे आपके पास कब्र खोदने के लिए। Amazing! अरे 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 अरे, कौन हो तुम, कौन हो, यहाँ कैसे घुसे आ रहे हो? अजी मैं ठहरा डॉक्टर। ओ तुम भी डॉक्टर हो? अजी नहीं नहीं नहीं, मैं इंजीनियर। अभी तो डॉक्टर बोले थे, अभी वकील बोल रहा हूँ ना। अरे, फिर से पलट गया। अरे डॉक्टर साहब ये पागल है, पागल पड़ोस वाली गली में रहता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम पागल कैसे हुए? जी मैंने एक विधवा से शादी कर ली। हाँ हाँ हाँ, आगे आगे आगे। उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली, इस तरह मेरा बाप मेरा दामाद बन गया। हाँ हाँ हाँ, फिर और मेरी बेटी मेरी माँ बन गई। हाँ हाँ हाँ, आगे बोलो। उनके घर बेटी हुई तो मेरी बहन बन गई। हाँ हाँ ठीक है, आगे आगे आगे। पर मैं उसकी नानी का सोहर था, इसलिए वो मेरी नवासी भी हुई। हाँ आगे 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 बोलो। इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया। हाँ हाँ हाँ, और मैं अपने बेटे का भांजा बन गया। मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। और मेरा पाल अबे चुप एकदम चुप। तू तो पागल है ही, मुझे भी पागल कर देगा। चल निकल जा, निकल। Amazing! अजी कौन हो भाया, कौन हो? बड़े सुस्त दिखाई दे रहे हो। डॉक्टर साहब मेरे अंदर खून की कमी है। हाँ हाँ हाँ, तो वो ब्लड लाओ। क्या तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का ब्लड एक ही है? पता करो। अजी इसमें पता क्या करना है? जरूर मेरा ही होगा, क्योंकि 50 साल से खून पी रही हो वो। सब अपनी बीवी से परेशान है। चलो ठीक है, मैं तुमको दवा दे रहा हूँ, कुछ दिनों तक खाते रहना और उसके बाद आकर अपना खून चढ़वा लेना। अजी डॉक्टर साहब ये दवा रिएक्शन तो नहीं करेगा ना? हसीनों से मिले नजर अट्रैक्शन हो सकता है, चढ़े फीवर मोहब्बत का एक्शन हो भी सकता है। हसीनों को मुसीबत तुम समझकर दूर ही रहना, ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन भी हो सकता है। हाँ तो दोस्तों तो चलते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो